हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड, कैसे हैं आप लोग बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पार्ट तीन क्या है आपका, शहर में कितने कवि, जो एक हास्य कथा है। कैसी कथा है? हास्य कथा है, जो बादशाह अकबर और बीरबल के किस्सों और कहानियों से संबंधित है। या बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां एक तरफ हमारा मनोरंजन भी करती है, साथ ही साथ हमारा मनोविनोद भी करती है। तो इस पाठ के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगी ना, बहुविकल्पीय प्रश्न लिखवाऊंगी भी और होमवर्क में भी उसी से संबंधित प्रश्न दूंगी। तो सबसे पहले बच्चों आप भी जान लीजिए बहुविकल्पीय होता क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न से कहते हैं जिसमें प्रश्न के उत्तर के कई आंसर होते हैं, प्रश्न के कई उत्तर होते हैं और उनमें से एक उत्तर चुनना होता है ना, और जो है और आंसर भी लिखने होते हैं। तो आइए बच्चों अब ब्लैक बोर्ड देखते हैं। तो देखिए क्लास थर्ड हिंदी कक्षा का पार्ट तीन, शहर में कितने कवि, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्या है? किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, यानी जो नीचे का था गा, ये वाक्य दिए गए हैं या पाठ में किसने किससे कहा यह आपको लिखना है। कहा है शहर, इस शहर में कितने कौवे हैं। तो आपको वैसे रुका निशान लगा के लिखिएगा, बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, शहर में इस शहर में कितने कौवे हैं, यह बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा। फिर खा है हुजूर, इस शहर में कुल 50,378 कौवे हैं। लिखिएगा, यह बात बीरबल ने बादशाह अकबर से कही। फिर इसी के अंतर्गत आपका गा है, शाबाश तुम सचमुच लाजवाब हो। आप लिखिएगा, यह बात बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। तो बच्चों ये है बहुविकल्पीय प्रश्न आपका, किसने किससे कहा और इसके अंतर्गत का खा और गा आप लोगों को कॉपी में लिखना है और समझना है। ओके बच्चों, आइए अब आपका व्यवहार देखते हैं। व्यवहार है आपका पेज नंबर 24 का प्रश्न नंबर 2 तथा 3, यानी 2 और 3 कॉपी में करिए। तो बच्चों आइए बुक में देखते हैं पेज नंबर 24 पर प्रश्न दूसरा और तीसरा है क्या। बच्चों ध्यान से देखिएगा, देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके अंतर्गत जो है पेज नंबर 24 देखिए, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना? तो देखिए पेज नंबर 24 पर दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसके अंतर्गत का है, बादशाह के दरबार में प्रायः ज्ञानवर्धक अज्ञानवर्धक चर्चा होती थी। कैसी चर्चा होती थी? ज्ञानवर्धक ना, तो ज्ञानवर्धक पर सही का निशान लगाएंगे ना। क्या? बादशाह के दरबार में प्रायः ज्ञानवर्धक चर्चा होती थी। फिर खा है बीरबल, बादशाह अपने दरबारियों के ज्ञान की जांच किया करते थे। कौन? बीरबल किया करते थे, बादशाह किया करते थे ना, तो बादशाह पर निशान लगाएंगे सही का। फिर सही निशान लगाने पर कौन सा वाक्य बन जाएगा? बादशाह अपने दरबारियों के ज्ञान की जांच किया करते थे। फिर इसी के अंतर्गत है गा, अकबर को बीरबल तानसेन की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अकबर को किसकी बुद्धिमानी पर भरोसा था? बीरबल की कि तानसेन? बीरबल की ना, तो बीरबल पर सही का निशान लगाएंगे। फिर घा है बीरबल बहुत ही मूर्ख हाजिर जवाब थे। मूर्ख थे कि हाजिर जवाब? मूर्ख नहीं थे ना, हाजिर जवाब थे, तो हाजिर जवाब पर सही का निशान लगाएंगे। फिर इसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्या है? जोड़े मिलाओ, यानी वाक्य दिया गया है, फिर शब्द दिए गए हैं, इनको आपको जोड़ना है जो जिससे सही पड़े। फिर क्या है जोड़े मिलाओ के अंतर्गत क्या है? किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय बनाए रखना चाहिए क्या? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से मिलाएंगे, समझ में आया बच्चों? फिर क्या है जो जैसा प्रश्न करे उसे वैसा ही देना चाहिए, क्या देना चाहिए? उत्तर, उत्तर से मिलाइएगा। फिर गा है हमें अपने साथियों
की हमेशा करनी चाहिए मदद, ना जो हमारे साथी हैं, दोस्त है, मित्र है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, तो मदद से मिलाएंगे। फिर घा है, संकट की घड़ी में भी नहीं चाहिए घबराना, घबराना से मिलाएंगे। फिर अंगा है, हर जगह इज्जत की जाती है किसकी, बुद्धि मान की, तो हर जगह इज्जत की जाती है बुद्धिमान की से मिलाएंगे। तो बच्चों ये दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग नीट एंड क्लीन होमवर्क करेंगे और क्लास वर्क भी करेंगे। इसके साथ ही बच्चों फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।